गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशागौर एजुकेशन। आज हम ईबीएस का न्यू चैप्टर फेस्टिवल को रीड करेंगे। ये हमने कॉपी में किया हुआ है। ये क्लास फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। इसकी ईबीएस की बुक्स आसानी से नहीं मिलती, इसलिए हमने इसको इसमें कॉपी में एक्सप्लेन किया है। तो फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार। तो त्यौहारों के हमको क्या करना, फेस्ट पिक्चर ऑफ फेस्टिवल, इनकी पिक्चर हमको फेस्ट करनी है। और त्यौहार कौन कौन से होते हैं हमारे, देखिए, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, क्रिसमस, लोहड़ी, बसंत पंचमी, रामनवमी, वैशाखी, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी और दिवाली। तो इनकी हमको क्या पिक्चर पेस्ट करना है, जितनी आपको मिल जाए। हमने यहाँ पर पेस्ट की है दुर्गा पूजा की, गणेश चतुर्थी की एंड रक्षाबंधन की और दिवाली की, ठीक है। अब हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे आइडेंटिफाई। तो फेस्टिवल ऑफ लाइट, जिसमें लाइट का यूज होता है त्यौहारों में, कौन सी होती है, दिवाली। फेस्टिवल ऑफ मून, सेवैया, जिसमें चंद्रमा देखते हैं और सेवैया खाते हैं, तो क्या होता है, ईद। ये मुस्लिमों का त्यौहार होता है। फेस्टिवल ऑफ सांता क्लॉज, जिस दिन हम सांता क्लॉज आता है ना, उसको कहते हैं क्रिसमस। ये 25 दिसंबर को आता है। फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार कौन सा होता है, होली। फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर का त्यौहार कौन सा था, रक्षाबंधन एंड भाई दूज। रक्षाबंधन जो अगस्त में आता है, भाई दूज जो दीपावली के बाद आता है। बर्थडे ऑफ महात्मा, महात्मा जी का, गांधी जी का बर्थडे कब आता है, गांधी जयंती को, जो 2 अक्टूबर को होती है। और सरस्वती पूजा कब होती है, बसंत पंचमी को। और ये है हमारे नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय फेस्टिवल त्यौहार। इंडिपेंडेंस डे, जिसको हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे, इसको 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और गांधी जयंती आती है, ये नेशनल फेस्टिवल में ही आता है। ये आता है हमारा 2 अक्टूबर को। अब त्योहारों में एक त्यौहार हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मतलब, हार्वेस्टिंग मतलब होता है फसल, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। फसल काटते समय जो टाइम आता है ना फसल काटने का, उस टाइम ये त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे देश में। जैसे कि मकर संक्रांति, ये जनवरी में आती है, 14 जनवरी। लोहड़ी, मकर संक्रांति के दूसरे दिन 15 जनवरी को लोहड़ी होती है। फिर होली आती है, उस टाइम हमारा फसलों का समय होता है, टाइम होता है, तो इसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहते हैं। मकर संक्रांति, लोहड़ी, होली, बैसाखी, बिहू, पोंगल, ओणम, गुड़ी पड़वा, बसंत पंचमी और विशु, ये हमारे फेस्टिवल्स होते हैं। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के अंतर्गत ये आते हैं। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ईद इज अ रीजनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल कि रीजनल, तो ये कौन सा है, रीजनल फेस्टिवल, ठीक है। द फेस्टिवल सेलिब्रेट इन केरला, केरला में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, ओणम, ठीक है। एक ट्रू और फाल्स बताना हमको। बिहू इज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, जो फसल काटते समय आती है ना, तो ये बिहू कौन सा है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। थैंक यू।